जुपिटर और शनि, अगर जुपिटर हैगा जीव कारक, शनि क्या है कर्म कारक। जुपिटर शनि इकट्ठे आ जाते हैं, जिसकी कुंडली में जुपिटर शनि इकट्ठे आते हैं, ठीक, उस केस में हम जातक खुद कैसा होगा? जातक बहुत ज्यादा कार्मिक होगा, बहुत ज्यादा कर्म को करने वाला व्यक्ति होगा, प्रोग्रेसिव होगा लेकिन धीरे काम करेगा, प्रमोट करेगा, बिजनेस प्रमोट करेगा या अपनी जीवन को प्रमोट करेगा, बट थोड़ा लेजी होगा, सर्विस ओरिएंटेड होगा। शनि अड़ियल है, जाता थोड़ा स्टनबॉर्न भी होगा। वर्क माइंडेड होता है ना, वर्कहॉलिक, वर्क माइंडेड, वर्कहॉलिक, इस तरह के जातक की माइंडसेट होगा, इस तरह का मेंटेलिटी होगी। गुरु शनि की युति वो ये दर्शाएगी, जातक के अंदर काम कर्म करने की भावना, वर्क माइंडेड, वर्कहॉलिक, बिजनेस को बढ़ाना प्रमोट करना, थोड़ा लेजीनेस होगा, थोड़ा डिले होगा, धीरे चलेगा, बट प्रोग्रेसिव होगा, सर्विस ओरिएंटेड होगा, स्टनबर्न होगा। ये बेसिक तत्व है, ठीक है। यही गुरु जो है राहु के साथ आ जाता है, यही गुरु अगर राहु के साथ आ जाता है, राहु है पास्ट डीड्स, राहु क्या, राहु पास्ट डीड्स, हमारे पुराने कर्म, हमारी प्रारब्ध। तो जीव कारक प्रारब्ध के साथ, सबसे पहले प्रारब्ध के साथ जीव कारक जब भी आएगा, या मान के चलो जातक के जीवन जब जन्म जन्म लेता है तो प्रारब्ध साथ में आ रही है जीव कारक के साथ। जनरली प्रारब्ध जो है ना कभी जन्म लेने नहीं देते थे, मतलब जन्म के लेने में तरक्का, जीव अपने आप में जन्म लेना चाहता लेकिन प्रारब्ध धक्का देगी उसको, भाई तेरे को अपने अपने काम निकालने, अपने काटने हैं तो चलो आगे बढ़ो। तो वेन राहु एंड गुरु आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन जीवन चार्ट, जातक को जन्म के समय में दिक्कत आएगी, जैसे कई बार जन्म के समय में बच्चों को दिक्कत आती है पैदा होने में, होते ही निमोनिया या कुछ ऐसा हो जाता है, या फिर प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है, या बहुत पेनफुल डिलीवरी होती है, या होते बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। वो जो बच्चों का वो छोटा सा वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, इंक्यूबिकेशन सेंटर, ठीक है, उसमें रखा जाता है कई बार। तो इस तरीके से जो समस्याएं आती हैं वो राहु और गुरु के कंजेक्शन में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। राहु क्या है, राहु काल पुरुष यानी कि प्रारब्ध क्रम, ये इंजरीज को, जातक स्वयं के साथ प्रारब्ध इंजरीज को दिखाता है, समस्याओं को, डिजीज को दिखाएगा, डेंजर को दिखाता है, ठीक है, इन सब चीजों को राहु दिखाएगा, तकलीफ को दिखाएगा। अगर हम मैटेरियलिस्टिक चीजों की बात करेंगे तो अनएथिकल एक्टिविटीज, इल्यूजन, जबरदस्ती का भ्रमित करना, इंसान को बहुत जल्दी भ्रमित होने की आदत होगी, इल्यूजन में जाने की आदत होगी, अनएथिकली बहुत जल्दी कनेक्ट करेगा, लेबोरियस एक्टिविटीज करना पड़ेगा, लो प्रोफाइल वर्क, राहु लो प्रोफाइल भी है, आउट ऑफ द बॉक्स है, अदर कास्ट, राहु के साथ गुरु इकट्ठा अदर कास्ट के उससे कनेक्टिविटी बहुत जल्दी होगी, दैट इंक्लूड की रिलेशनशिप बिल्डिंग के अंदर भी, अदर कास्ट, फॉरेन लैंड भी ला हुआ है तो बाहर जाके रहना उसको अच्छा लगेगा, चला जाएगा जल्दी। तो ये एक्टिविटीज राहु के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको ये दिखेगा, व्हेन राहु एंड जुपिटर आर कनेक्टेड इन जीवन चार्ट, वेयर व्हेन केतु इज कनेक्टेड, केतु क्या है, केतु है मोक्ष कारक, फिलोसफी, ज्ञान कारक। तो जीव कारक और मोक्ष कारक आर टुगेदर, ऐसा व्यक्ति जो है मोक्ष की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन केतु एंड गुरु इकट्ठे ये भी डिजीज, डिस्प्यूट, इल हेल्थ को दर्शाते हैं, ऑब्स्टेकल्स को दर्शाते हैं, और किस तरफ लेके जाएंगे, झुकाव क्या करेंगे, झुकाव करेंगे रिलीजियस एक्टिविटीज, रिचुअलिस्टिक की तरफ, मोक्ष की तरफ। ऐसे व्यक्ति एमलेस होते हैं कई बार, और कर्म जो है इनका रिलीजियस एक्टिविटी की तरफ बढ़ता है,